और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गिफ्ट निफ्टी में 200 अंकों की तेजी, 21,200 के पार निकला गिफ्ट निफ्टी, शानदार तेजी और बड़ा डेवलपमेंट। फेड ने दरें स्थिर रखी हैं, 2024 में 3 बार कटौती के संकेत भी दिए, लगभग 0.75% की कटौती अगले साल फेड ब्याज दरों में कर सकता है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। डॉलर इंडेक्स में इस ये जो अपडेट आ रहा है उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में 1% की गिरावट देखी, अब 102 के पास कारोबार कर रहा है डॉलर इंडेक्स। यूएस में 10 साल के बॉन्ड यील्ड 4% के स्तर के नीचे फिसल चुके हैं, जिससे कि अमेरिकी बाजारों को भी सपोर्ट मिला। डाउ नए शिखर पर पहली बार 37,000 के पार निकला और तीनों ही इंडाइसेस अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। तो शानदार तेजी देखी कल हमने अमेरिकी बाजारों में, और यूएस फेड ने अपने साल के आखिरी पॉलिसी में एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोजिंग दी है, जिसको कि बाजार ने चीयर किया और रिकॉर्ड लेवल्स पर 52 हफ्ते के नए ऊपरी स्तर पर अमेरिकी बाजार कारोबार कर रहे थे। और उसके बाद डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स में जिस तरह से हमने नरमी देखी उससे भी यूएस मार्केट को सपोर्ट मिला। सबसे पॉजिटिव बात जो निकल कर आई वो ये थी कि फेड चेयरमैन का कहना था कि अब आगे पॉलिसी में सख्ती का रुख होने का अनुमान कम है और अगले साल 3 कटौती देखने को मिल सकती है, कुल 0.75% की कटौती देखने को मिल सकती है। हालांकि बाजार एस्टिमेट कर रहा था कि करीब 5 कटौती देखने को मिलेगी, लेकिन उसके सामने 3 कटौती की बात सामने निकल कर आई है, लेकिन इसको भी बाजार ने पॉजिटिव लिया है, यानी कि अब कहीं ना कहीं फेड कंफर्टेबल सिचुएशन में आ चुका है। लेकिन ये भी कहना है उनका कि 2% के जो महंगाई दर है उसको वो क्लोजली वॉच करेंगे और अगर जब तक वो टारगेट हासिल नहीं हो जाते तब तक सतर्क रहेंगे। तो ये कुछ बड़े संकेत मिल रहे हैं आज बाजार के लिए, बेहद ही पॉजिटिव संकेत हैं। आगे कुछ और भी ट्रिगर्स हम समझेंगे, लेकिन और किस तरह के डेवलपमेंट हुए ग्लोबल मार्केट्स में और FOMC की बैठक में क्या कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं ये समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्वमोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से, विश्वमोहन को जोड़ेंगे। उसके पहले एशियाई बाजारों के भी संकेत एक बार देख लेते हैं। काफी स्ट्रांग मोमेंटम गिफ्ट निफ्टी में, अच्छी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है, 21,200 के पार, 180 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। हांगकांग के बाजार में 234 अंकों की तेजी, कोरिया के बाजार करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहे हैं, जापान के बाजार में हल्की नरमी है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस से काफी पॉजिटिव शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। और किस तरह के संकेत हैं ये समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्वमोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्वमोहन गुड मॉर्निंग, बहुत ही बढ़िया संकेत मिल रहे हैं और एक पॉजिटिव नोट के साथ हम देख रहे हैं कि फेड ने फाइनली अपने जो साल की आखिरी पॉलिसी थी उसको में भी काफी पॉजिटिव कॉमेंट्रीज कुछ निकल कर आई। किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से? शुक्रिया पूजा, गुड मॉर्निंग आपको भी। ग्लोबल मार्केट से काफ़ी अच्छे संकेत है, जैसा आप कह भी रही थी। अमेरिकी बाजारों से शुरुआत करते हैं तो 37,000 के ऊपर डाउ जोन्स पहली बार बंद हुआ है, तो क्लोजिंग हाई अगर देखें 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिखी। नैसडेक और S&P 500, ये दोनों इंडेक्स भी 2022 जनवरी के हाई पर, यानी करीब करीब 2 साल की ऊंचाई पर ये दोनों इंडेक्स भी बंद हुए, और नैसडेक में तो करीब करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ भी देखने को मिली है, और सारे ही ज़्यादातर टेक शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुख था और लगातार ये 5वें दिन तेज़ी थी। और ये तेज़ी का जो वीकली, अगर ये वीकली बेसिस पर भी ये क्लोजिंग इस तरह की होती है तो 7वां हफ्ता होगा जहां बाजार में इस तरह की तेजी लगातार हफ्ते दर हफ्ते देखने को मिली है। संकेत आपने बिल्कुल सही तरीके से कह भी दिया है कि फेड की बैठक से जिस तरह के संकेत मिले हैं उन्होंने साफ किया है अब यहां से बहुत ज़्यादा सख्ती की संभावना कम है। उन्होंने ये भी कहा कि सेकेंड क्वार्टर के बाद थर्ड क्वार्टर से अब जिस तरह के ग्रोथ के नंबर थे वो धीरे धीरे हो रहे हैं, उस वजह से फेड का रुख अब यहां से नरम ही रहने वाला है और 3 ब्याज दरें कटौती के संकेत 2024 में और 4 बार ब्याज दरों में कटौती के संकेत 2025 में, ऐसा अनुमान लगाकर बाजार चल रहा है। यानी करीब 3/4% कटौती होगी 2024 में और 25 में करीब करीब 1% की कटौती ब्याज दरों में हो सकती है और इससे बाजार काफ़ी खुश नजर आ रहा है। महंगाई के जो नंबर्स हैं, हालांकि फेड चेयरमैन ने साफ कहा कि उनका टारगेट अभी भी है, वो टारगेट 2026 तक उम्मीद कर रहे हैं कि मीट हो जाएगा और धीरे धीरे 3% के नीचे आएगा 2024 में, 25 में फिर 2 के आसपास आएगा और 26 में उनका पूरा लक्ष्य के आसपास महंगाई होगी, तो यहाँ से सख्ती की ज़्यादा जरूरत नहीं, यही बाजार को पसंद आया। और अन्य जो टिगर थे वो भी काफ़ी बाजार के लिए फेवरेबल हो गए। यूएस 10-ईयर बॉन्ड यील्ड देखे तो 4% के नीचे है, डॉलर इंडेक्स में नरमी है, 102 तक फिसल चुका है, गोल्ड को काफ़ी सपोर्ट मिला है। गोल्ड क्योंकि यहाँ पर फिक्स इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जहाँ पर ज़्यादा ब्याज मिलता है लोग उस तरफ जाते हैं अगर ब्याज ज़्यादा होती है।
अगर बॉन्ड यील्ड में नरमी आई तो गोल्ड को फायदा मिला। क्रूड में हल्की तेजी आज जरूर दिख रही है, 75 के आसपास चला गया है, लेकिन उस तरह की तेजी नहीं है। तो जितने भी संकेत आज के लिए, चाहे वो एशियाई बाजार से हो, यूएस मार्केट से हो, या फेड चेयरमैन की कमेंट्री हो, सारे संकेत अच्छे दिख रहे हैं। और पूजा, एक बार फिर से उम्मीद करते हैं कि आज शुरुआत में ही एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। बिल्कुल, तो नए रिकॉर्ड की तैयारी आज भारतीय बाजारों के लिए। ध्यान रखिएगा कि आज एक्सपायरी भी है, उसको हम बाद में समझेंगे कि उसको ध्यान में रखते हुए आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह के जो संकेत आ रहे हैं यूएस मार्केट से, भारतीय बाजारों के लिए भी वो काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहे हैं। विश्वमोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो सारी चीज़ें फेवर में ही हैं। 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स देखेंगे, वहाँ पर भी नरमी देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स नीचे आ चुका है, वो भी भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है। और कच्चे तेल में भी ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के सभी संकेत अच्छे हैं। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम स्तर कौन से होंगे। यहाँ से भी संकेत पॉजिटिव हैं। कैश मार्केट में एफआईएस 4,710 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि खरीदारी हावी है एफआईआईएस की, और लगातार चौथे दिन था जब ये खरीदारी का आंकड़ा नज़र आ रहा है। हालांकि डीआईआईएस ने पोजीशन थोड़ी हल्की की, कैश मार्केट में वो बिकवाली करके गए 958 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 860 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईएस की बिकवाली का आंकड़ा नज़र आ रहा है, करीब 44,206 करोड़ की बिकवाली हुई है इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईएस की तरफ से। तो ये इस वक्त के आंकड़े हैं, इनको देखते हुए एक बार समझ लेते हैं कि आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे। समझाने के लिए हमारे साथ डिम्पी कावरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें पिछले 2 दिन के कंसोलिडेशन में मार्केट रहा, उसने अपने सपोर्ट्स भी नहीं ब्रेक किए और ना ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जो हम आपके सामने कह रहे थे। आज मार्केट को फिर से एक बड़ा गैप मिलने जा रहा है। ये गैप मार्केट के लिए अच्छी चीज भी होती है, बुरी चीज भी होती है। बुरी चीज इस लिहाज से है कि आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए 150 से 200 पॉइंट आप ऊपर पले तो आप क्या कमाएंगे। दूसरा पास अच्छी चीज ये होती है कि इसके अंदर थोड़ा शॉर्ट ट्रैप हो जाते हैं, तो आपका एक नया बेस तय हो जाता है कि अब आपका नया बेस 20,800-20,900 वाला नहीं है, अब आपका नया बेस कुछ और ही बन गया है। तो कुल मिला के मार्केट्स के लिए अच्छी चीज है, लेकिन गैप के बाद बाजार के थोड़े चलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वजह मैं आपको इसकी बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एफआईएस की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो करीब 3% से घटी है कल के सेशन में। और दूसरा आप देख पा रहे हो कि ज्यादातर सेगमेंट, कैश को छोड़ के एफआईएस के ज्यादातर सेगमेंट में बिकवाली है। एक और चीज, ये ग्लोबल मार्केट्स के हेल्प से आज हम गैप ले रहे हैं, ना कि डोमेस्टिक मार्केट के हेल्प से। तो इसलिए डोमेस्टिक मार्केट एक बार ग्लोबल मार्केट की वजह से खुल तो जाएगा ऊपर, लेकिन फिर वो अपने ही लेवल्स में अंदर आके ट्रेड करने लगेगा। इसलिए गैप तो एंजॉय कीजिए जिनके पास ट्रेलिंग निफ्टी खड़ी हुई है, लेकिन जिनको लेना उनको जरूर रुकना चाहिए। एक तो उनका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा गैप के खुलने के बाद, और दूसरा थोड़ा भी मार्केट के अंदर पोजीशनिंग हो रही है तो थोड़ा रुक के उनको ट्रेड करना चाहिए। और इंडाइसिस के अंदर बहुत ज्यादा पैसा अभी बनेगा भी नहीं जल्दी जल्दी। ऑप्शंस वालों को आज फिर से गैप खुलने के बाद अच्छे प्रीमियम स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, इसलिए थोड़े आर्टिफिशियल काइंड ऑफ प्रीमियम्स होंगे। रुक जाना, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी ने कल अपने आप को एक्सपायर किया है वीकली बेसिस पर, तो आज फिर से आपको स्टॉक स्पेसिफिक चुनाव करना है। थोड़े बड़े शेयर यानी कि इंडाइसिस के जो बड़े शेयर है ना, वहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि एफआईएस टिपिकली अभी भी 57-58% लॉन्ग के आसपास खड़े हैं, तो शायद वो अभी इतनी जल्दी जल्दी जाएंगे नहीं, और कुछ बड़े शेयर में और तेजी आपको देखने को मिल सकती है। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पर आप ध्यान रखिए। ऑटोज में काफी अच्छी पोजिशनिंग हुई है, आईटी पे भी जल्दी जल्दी ट्रस्ट ना करें भले यूएस मार्केट के अंदर तेजी है, क्योंकि 4-5 बार आपको आईटी डिस्टर्ब कर चुका है। तो कुल मिलाकर आज गैप इंजॉय करने का दिन है, गैप के बाद खरीदारी करके बहुत बड़ा पैसा बच जाएगा, इसके थोड़े चांसेस कम है। तो इसलिए जिनके पास है उनके लिए आज का दिन है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए आज का दिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो अगर समअप करें तो फ्रेश एंट्री की गलती ना करें, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। जिनके पास है वो आज बाजार की तेजी इंजॉय करें, गैप अप ओपनिंग हो सकती है, स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते रहिए। ऑप्शन ट्रेडर्स अभी फिलहाल दूर रहें और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चले। स्पेशली इस वक्त लार्ज कैप स्टॉक्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, उस पर आप नज़र रखें। तो आज इंजॉय करिए बाजार की तेज़ी को, फ्रेश एंट्री लेने की सलाह फिलहाल नहीं दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे में ट्रेड का करें इस मार्केट में ये समझ लेते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटी से, राजेश पालवे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी,
थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्या कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे या फिर आज अवॉइड करें, और ऐसे में कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं? मॉर्निंग सो देखिए मार्केट में आज एक गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखेगी, तो आई थिंक जो अपॉर्चुनिटी थी वो तो अब यहाँ पे नहीं रहेगी। ओपनिंग के बाद हमें देखना होगा कि मार्केट कहाँ सेटल होते हमें लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम बना, यस ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए भी दिखेगा आगे आने वाले दिनों में। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति तो रखनी ही है मार्केट में, और हमें लास्ट दो तीन ट्रेडिंग सेशन में देखने को भी मिली वो डिप्स, और जिन्होंने वो डिप को यूज किया होगा अपॉर्चुनिटी एज ए अपॉर्चुनिटी और बाय किया होगा, उनके लिए एक आज एक अच्छा गैप अप ओपनिंग है। तो ट्रेडिंग ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी ओपनिंग में, अगर जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है अगर वहां पे ओपन होता है 21,200 के आसपास, तो शायद वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक किया भी जा सकता है, क्योंकि कॉल कॉन्सेंट्रेशन अभी भी 21,200 के आसपास मैक्सिमम कॉल राइटर्स की पोजीशंस बनी हुई है, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करें। डिप में वापस अगर आप अपॉर्चुनिटी मिलती टुवर्ड्स 21,000 तो वहां पे बाय करने की ही सलाह रहेगी निफ्टी में। स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन थी कल के सेशन में भी, हमें लगता है कि जो स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम वहां पे लॉन्ग साइड के ट्रेड लिए जा सकते हैं। बायोकॉन हमें यहां पे काफी पसंद आ रहा है, कल के सेशन काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला, और जिस तरीके से एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक अब एक ब्रेकआउट ट्रेड करके यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के साइन बने, बायोकॉन में हमें लग रहा है 260-265 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा 242 का। जो दूसरा सेगमेंट हमें पसंद आ रहा है वो है यहाँ पे ऑटोमोबाइल स्पेस, और ऑटोमोबाइल स्पेस में हमें लगता है कि यहाँ पे टू व्हीलर स्पेस के साथ ही रहना चाहिए, जिसमें टीवीएस मोटर एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। टीवीएस मोटर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो टारगेट आ सकते हैं करीब 2100 तक की अपसाइड के टारगेट टीवीएस मोटर में आते हुए दिख सकते, तो यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है 1980 के स्टॉप लॉस से। और तो तीसरा सेकंड जो पसंद आ रहा है वो मेटल एंड माइन सेक्टर से लगता है, एनएमडीसी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक क्लियर अप ट्रेंड है स्टॉक में, एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, तो एनएमडीसी पे भी बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 198-204 तक आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 187 के आसपास। ठीक है, तो कुछ चार स्टॉक्स राजेश ने सुझाए हैं, वेदांता, बायोकॉन, एनएमडीसी पर भी आप तेजी करके चल सकते हैं, और टीवीएस मोटर्स भी अच्छा लग रहा है। 2100 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 1980 का। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आप काफी सारे हैं, राजेश जी ने चार स्टॉक्स अपने सुझाए जिसमें कि आज आप तेजी करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर। राजेश जी थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। ये बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, वहां पर भी अच्छा एक्शन आज एक्सपेक्टेड है फेड पॉलिसी के बाद। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज थैंक यू सो मच समय देने के लिए। फेड का जो फैसला आया, कैसे एनालिसिस किया आपने, और उसके बाद कमोडिटी मार्केट में कैसा एक्शन आप देख रहे हैं आज? चांदी से पहले शुरुआत कीजिए। पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए फेड ने जो डिसीजन दिया कि वो आगे इंटरेस्ट रेट और डीपर कट कर सकते हैं, हालांकि इस बार तो स्टेबल रखा है, तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही इन्होंने डिसीजन दिया है, और उसके बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स जो है वो करीबन 4 महीने के लो लेवल पर आ गया है, और दूसरी तरफ देखें तो गोल्ड में करीबन $50 की एक अच्छी रिकवरी यहां देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में वीकनेस, बॉन्ड यील्ड में वीकनेस जो है एक अच्छा सपोर्टिव फैक्टर है। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा यहाँ पर। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर ही आज एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, और एक अच्छा रिकवरी जो है गोल्ड सिल्वर में, जो हमने पिछले 4-5 दिनों में गिरावट देखी थी वो रिकवरी जो है गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर बाय का ही ट्रेंड आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। ओके, तो बाइंग का ट्रेड रहेगा। अनुज गुप्ता, अनुज जी टारगेट क्या देख रहे हैं? ये गोल्ड में हमें लगता है कि करीबन 61,100 के आसपास खरीदारी करना चाहिए, 60,800 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट हमें लग रहा है ऊपर में 61,600 तक आ सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 71,300 में खरीदारी का ट्रेड बनाए, 70,700 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट हमें लग रहा है 72,000 तक देखने को मिल सकता है चांदी में। ठीक है, तो टारगेट होगा सिल्वर के लिए 72,000 का, और गोल्ड में 61,600 के टारगेट्स के लिए आप अभी भी तेजी करके चल सकते हैं। अनुज जी अब कच्चे तेल में राय दीजिए, वहां पर क्या करें? हल्की तेजी आई थी यूएस इन्वेंट्री विड्रॉल की खबरों के बाद, अब आगे के लिए चाल कैसी लग रही है आपको कच्चे तेल की, थोड़ी और तेजी के लिए यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए?
देखिए डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है उसकी वजह से सभी एसेट क्लास में एक रिकवरी देखिए, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे मेटल्स हो। तो हमने देखा है कि मेटल्स के अंदर भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, क्रूड के अंदर भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो आज का सेशन हमें लगता है कि ओवरऑल एसेट क्लास के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बेस मेटल के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए और क्रूड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। क्रूड हमें लगता है करीबन 5,700 के आसपास खरीदारी करें, 5,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5,850 तक हो सकता है। और कॉपर के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, 718 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कॉपर में भी तेजी का ट्रेड लीजिए 718 के टारगेट के लिए, और कच्चे तेल में भी तेजी करने की सलाह है 5,850 के लिए। और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में नरमी आई है उससे सभी एसेट क्लासेस में आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, तो तेजी करने की सलाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग के मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके आपके सामने ये भी रख लेंगे। चॉइस इक्विटी की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है इन्फीबीम, तेजी करने की सलाह है। इन्फीबीम में टारगेट होगा 2550 का और 27 के लक्ष्य तक के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चलिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1990 का। और इसके अलावा रुचि जैन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है वेदांता, स्टॉक पर नजर रखिए क्योंकि अभी सुबह जब राजेश जी से भी हमारी बात हो रही थी वो भी यहाँ पर तेजी करने की सलाह दे रहे थे। वेदांता में 263 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 247 का। और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी तेजी करने की सलाह है 217 के स्टॉप लॉस के लिए, टारगेट होगा 228 का। प्रभुदास लीलाधर ने दो स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह दी है, नैलको होगा पहला 103 के लक्ष्य के लिए, और बायोकॉन भी अच्छा लग रहा है 260 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 236 का। बायोकॉन वेदांता जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, मेटल स्पेस पूरा का पूरा फोकस में रहेगा, इस पर आप नजर रखिए। बाकी सभी कॉल्स में तेजी करने की सलाह आज हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं खबरों वाले शेयर्स का। आशीषा जुड़ चुकी है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताइए। यहाँ सबसे पहले फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पर फोकस रहेगा, आज बड़ी ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है जहाँ वारबर्ग पिंकस करीब करीब 9.2% स्टेक बेच सकते हैं। कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो करीब करीब 5% डिस्काउंट पे ये ब्लॉक डील हो सकती है, तो बड़ी ब्लॉक डील है जिसके चलते फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पर आज स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो एजेंसी से खबर मिली है कि कंपनी के एक ब्रांच में कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं, अब आरबीआई को फ्लैश रिपोर्ट के द्वारा रिपोर्ट किया है 13 दिसंबर को, तो कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस नजर आ रहे हैं जिसके चलते साउथ इंडियन बैंक पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा एनबीसीसी इंडिया की बात करते हैं तो कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है, 1500 करोड़ का ये ऑर्डर है जो एनसीडीसी से मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए, बड़ा ऑर्डर है, एनबीसीसी पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा आईआरसीटीसी की बात करते हैं तो कंपनी ने केटरिंग बिजनेस एक्सपेंशन की बातचीत की है जहां उन्होंने कहा कि नॉन रेलवे केटरिंग बिजनेस में कंपनी अब एक्सपैंड करना चाहती है। उन्होंने ऑलरेडी एमओयू साइन कर दिए हैं गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडीज के साथ, तो कुछ एक्सपेंशन प्लान्स नज़र आ रहे हैं, आईआरसीटीसी पर भी अपनी नज़र रखे। इसके अलावा वेदांता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है 18 दिसंबर को जहां सेकंड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर का, वेदांता में भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने लैंड पार्सल्स अक्वायर किए हैं हरियाणा में, करीब करीब 25.1 एकर्स का ये लैंड पार्सल है और कंपनी ने कहा कि यहाँ पर 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट हो सकता है, तो बड़ा एक्विजिशन है, रेवेन्यू पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है जिसके चलते सिग्नेचर ग्लोबल में आज पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जिंदल सौ की बात करते हैं तो आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है जहाँ फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे, QIP के द्वारा भी ये प्लान्स कंसिडर किए जा सकते हैं, तो जिंदल सौ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक के चलते इसमें एक्शन देखने को मिलेगा। और प्राइमरी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन रहा है, दो IPOs अभी खुले हैं, डोम्स का आज डे टू रहेगा, इंडिया शेल्टर फाइनेंस, और इसके अलावा आईनॉक्स CVA का IPO आज खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, 18 दिसंबर तक ये खुला रहेगा, तो IPO मार्केट में भी काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, थैंक यू आशीष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन है और खबरों वाले शेयर्स के चलते भी आज काफ़ी सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, जाते जाते आपको एक बार गिफ्ट निफ्टी दिखा देते हैं। अब करीब करीब 200 अंक ऊपर आ चुका है, 21,200 के पार कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो काफ़ी अच्छे संकेत, एक गैप अप ओपनिंग के संकेत मिलने की तैयारी निफ्टी के लिए।